नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जिस घोड़े के चाबुक नहीं पड़ता है वो रेस में फर्स्ट नहीं आता है, और जिस घोड़े के चाबुक पड़ते हैं वो रेस में एक नंबर पर आता है। ये मेरा तजुर्बा कहता है। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, कौन से सेक्टर में आपको रोजगार ज्यादा उपलब्ध होंगे, कौन कौन से वो काम है जिनमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, तो आइए इस वीडियो में लगातार मेरे साथ 7 मिनट, ओनली 7 मिनट्स का टाइम दीजिए, और मैं आपको वो रोजगार बताऊंगा जो आपने आज तक सोचा ही नहीं था। इन सेक्टर्स में बहुत अच्छे रोजगार हैं, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, कम पढ़े लिखे लोग भी इनमें रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आप यदि गांव से हैं तो भी इन सेक्टर्स में आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, और शहर से हैं तो और ज्यादा इजीली आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, इन सेक्टर्स में अपार संभावनाएं हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, यदि आप अच्छा रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को या खुद वकील बनने की कोशिश कीजिए। एडवोकेट एक ऐसा पैसा है जिसकी जरूरत आज के जमाने में बहुत से लोगों को है। हर आदमी का, इंडिया में जितने भी आदमी हैं, उनको जीवन में कभी न कभी एडवोकेट की जरूरत जरूर पड़ती होगी, और ऐसी स्थिति में इस धंधे में, इस बिजनेस में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। हर आदमी को किसी न किसी तरह की लीगल एडवाइस लेनी पड़ती है। हर आदमी के साथ में कहीं न कहीं कोई केस, झगड़ा, फसाद होता रहता है। ऐसी स्थिति में उसको एक लीगल एडवाइजर की जरूरत होती है। आपको भी लीगल एडवाइजर की जरूरत होती होगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यदि आप अच्छे रोजगार में अपने बच्चों को डालना चाहते हैं तो अपने बच्चों को वकील बनाइए, एडवोकेट बनाइए। इसके साथ साथ ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आदमी अपने हिसाब से काम करता है। एडवोकेट अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। आप किसी भी एडवोकेट को एक फोन करके देख लीजिए, वो कहेंगे अभी समय नहीं है, आधे घंटे बाद में बात करना। जब इतने बिजी सेक्टर में आप किसी बच्चे को, अपने बच्चे को डालते हैं, तो उसमें अपार संभावनाएं होती हैं और करोड़पति बनते देर नहीं लगती। दूसरा मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ, या दूसरी जो लाइन बता रहा हूँ, या दूसरा जो पेशा बताता हूँ, वो है अकाउंटेंट का। देखिए दोस्तों, हर बिजनेस में 1, 2, 3 या 5 इससे ज्यादा भी अकाउंटेंट हो सकते हैं। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें अकाउंटेंट की जरूरत नहीं होती हो। तो क्यों नहीं आपने सोचा इस बारे में कि अपने बच्चों को अकाउंटेंट का काम सिखाइए, अकाउंट्स लाइन में दीजिए अपने बच्चों को। एक नहीं, अनेकों तरह की संभावनाएं हैं अकाउंट्स लाइन में। कोई भी बिजनेस की सफलता इसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसका अकाउंटेंट कैसा है। जब तक अकाउंटेंट पूरी बातें, अपने बिजनेस की सारी बातें या सारी की सारी चीजें ढंग से सेट नहीं करता है, तब तक कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता है। तो मेरा अनुभव कहता है कि आप अपने बच्चों को यदि रोजगार, अच्छे रोजगार के सुअवसर प्राप्त करवाना चाहते हैं, अच्छा एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, तो अकाउंट सेक्शन में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। चाहे गवर्नमेंट जॉब में जाइए, चाहे प्राइवेट जॉब में जाइए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाइए, बड़े बड़े MBA किए हुए लोग बैठे हैं और वो अच्छी अच्छी कंपनियों को संभाल रहे हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे आपका बच्चा करोड़पति बने? जरूर चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चों को अकाउंट्स के प्रति, जो आदमी कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, यदि अकाउंट्स में 0 है तो उसके टोटल लाइफ में 0 लग जाता है। और जो व्यक्ति कम जानकार है, किसी सेक्टर का विशेष जानकार नहीं है, मगर अकाउंट्स का कीड़ा है, वो आदमी अच्छा पैसा कमाता देखा गया है। ये मेरा अनुभव है। जितने भी बड़े बड़े घराने हैं उनमें अच्छे से अच्छा अकाउंटेंट रखने की कोशिश की जाती है। चाहे टाटा जी को देख लीजिए, चाहे बिड़ला जी को देख लीजिए, चाहे एलन मित्तल को देख लीजिए, या धीरूभाई अंबानी जी के दोनों बेटों को देख लीजिए। जिनके अकाउंटेंट अच्छे होते हैं उनका बिजनेस ग्रो करता है, और जिनके अकाउंटेंट में दम नहीं होता है उनका बिजनेस धीरे धीरे रिड्यूस चलता रहता है। इसके आगे मैं बताना चाहूंगा, यदि आप अपने बच्चों को और ज्यादा रोजगार देना चाहते हैं तो टैक्स एडवाइजर बनाइए। जी हाँ दोस्तों,
आजकल गवर्नमेंट ने इतने टैक्स लगा दिए हैं, हर चीज पे टैक्स है, हर काम पे टैक्स है। यदि आपने पैसा ज्यादा कमा लिया तो आपके ऊपर टैक्स है, यदि आपने घर ले लिया तो आपके ऊपर टैक्स है, यदि आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली तो आपके ऊपर टैक्स है। ऐसी स्थिति में हर आदमी को टैक्स एडवाइजर की एडवाइस लेनी पड़ती है और एक एक टैक्स एडवाइजर अच्छा पैसा कमाते हैं, तो आप क्यों नहीं इस बिजनेस में अपने बच्चों को डालते। यदि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं अभी तो मैं कहूंगा आप अपने बच्चों को टैक्स एडवाइजर की एजुकेशन दिलाइए और धीरे धीरे जब वो एक अच्छा टैक्स एडवाइजर बन जाएंगे तो करोड़पति बनते देर नहीं लगती है दोस्तों, क्योंकि इनकी फीस इतनी हैवी होती है कि आम आदमी की पहुंच तक, अच्छे अच्छे टैक्स एडवाइजर होते हैं वहां तक आम आदमी तो पहुंच ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में आप भी अपने बच्चों को यदि टैक्स एडवाइजर बना देते हैं तो अच्छा पैसा कमाने की या करोड़पति बनने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। और इसकी हर सेक्टर में डिमांड होती है, चाहे किसी भी सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में चले जाइए, इंडस्ट्रीज में चले जाइए, टेक्सटाइल में चले जाइए, या कंस्ट्रक्शन वर्क में चले जाइए, कॉन्ट्रेक्टर के यहाँ चले जाइए, सब जगह टैक्स एडवाइजर की जरूरत होती है। तो क्यों नहीं आप अपने बच्चों को इस लाइन में देते। हाँ, छोटे से ही शुरू कीजिए, आप किसी टैक्स एडवाइजर के पास में अपने बच्चों को रख दीजिए। यदि आपके बच्चे बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है या इस काबिल नहीं है तो मैं कहूंगा उनके पास और छोटे लोगों की जरूरत रहती है। एक टैक्स एडवाइजर के पास में सैकड़ों लोग काम करते हैं जो बड़ा टैक्स एडवाइजर होता है, तो आपके बच्चों को वहां डालने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छी संभावना है और बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा आपका बच्चा। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा यदि आप अपना कोई नया रोजगार चाहते हैं, नए रोजगार के लिए आपके चिंतित हो रहे हैं, तो मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने की कोशिश कीजिए। मार्केटिंग में इतनी डिमांड है, हर चीज के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। मार्केट एक्सपर्ट बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, जो किसी भी मार्केट के एक्सपर्ट हो गए वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। इस सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं, यदि आप अपने बच्चों को इस सेक्टर में डालते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की कोई समस्या नहीं रहेगी, जिंदगी में अच्छे पैसे कमाएंगे। और मार्केटिंग एक ऐसा जॉब है जिसमें आप कितना भी काम खोजें, हर तरह की मार्केटिंग होती है। आजकल एक अखबार बेचने वाला भी अपने ब्रांड की मार्केटिंग करता है, एक कपड़े का काम करने वाला भी अपने ब्रांड की मार्केटिंग करता है, और छोटी से छोटी इंडस्ट्रीज ले लीजिए आप, उसमें भी मार्केटिंग की बहुत जरूरत होती है। तो मैं कहना चाहूंगा यदि आप अपने बच्चों को इस सेक्टर में डालते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की बहुत अच्छी संभावनाएं होती हैं। अगला सेक्टर मैं बताता हूं वो है हेल्थ फिटनेस कोच का। जी हाँ दोस्तों, अपार संभावनाएं हैं, आपको नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप हेल्थ फिटनेस के बारे में कुछ जानते हैं, आपका इस पे नॉलेज है, आपका इस पे कमांड है, तो आप अपने घर में ये बिजनेस खोल सकते हैं। आप और कहीं एक किराए का मकान लेकर के ये बिजनेस खोल सकते हैं। और हेल्थ फिटनेस कोच के फीस है वो नॉमिनल होती है, मगर इनके पास आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। आजकल हर आदमी बीमार है, किसी भी आदमी को देख लीजिए, कोई कहता है मेरा माथा दुखता है, कोई कहता है मेरा गला खराब है, कोई कहता है रीढ़ की हड्डी में चोट है, कोई कहता है कुल्ला उतरा पड़ा है, कोई कहता है घुटने में चोट है। यहाँ ऐसी स्थितियां में हेल्थ फिटनेस की बहुत जरूरत है और हेल्थ कोच की बहुत जरूरत है। इस सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। जिन लोगों ने ये बिजनेस किए हैं उन्होंने नौकरी की तरफ नहीं देखा दोस्तों, रोजगार उनके घर पे आता है, स्वयं आता है, और लोग आकर के कहते हैं हाँ हमें बुक कीजिए, हमें कितने बजे का टाइम मिलेगा। तो सैकड़ों की संख्या में लोगों के पास में क्लाइंट्स होते हैं, हजारों की संख्या में क्लाइंट्स होते हैं, और बड़े बड़े जो हेल्थ फिटनेस कोच होते हैं उनके पास में तो कोई कमी नहीं रहती। तो आप भी अपने बच्चों को रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकाते हैं, कोई सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कीजिए, मगर एक दो तीन बार यदि आपका नंबर आ जाता है तो चौथे अटेम्प्ट में यदि आपका लड़का उस सरकारी नौकरी के में सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं कहूंगा और बहुत सेक्टर हैं, निराश हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरी चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर कर लीजिए। आने वाले वीडियोज मैं बहुत से ऐसे वीडियोज, ऐसे सेक्टर बताऊंगा आपको जिनमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी।
केवल एस एम शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर चैनल को खोलना है और आप एक नहीं हजारों टाइप के रोजगार के सुअवसर प्राप्त करेंगे। नमस्कार।